सभी ITI इंस्ट्रक्टर भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ DS प्लेटफॉर्म। जो भी ITI इंस्ट्रक्टर जो कि गवर्नमेंट ITI में अनुदेशक बनने के लिए 24/4 पोस्ट पर जो बिहार में वैकेंसी आई थी, उस सभी का एग्ज़ाम आप लोग दिए होंगे, तभी ये वीडियो आप सभी देख रहे होंगे, है ना। तो आप सभी जो भी इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम दिए थे, जिनका आंसर की तो जारी कर दिया गया था, आंसर की सबको ही मिला लिए होंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। हालांकि इसी फिलहाल हमारे पास एक हिंदुस्तान का कटिंग आया है। इस चीज़ से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है, आप लोगों का जो है बहुत जल्द जो है रिज़ल्ट आने वाला है। देख सकते हैं मेरे पास एक हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, जिसमें अनुदेशक का रिज़ल्ट जल्द जारी करेगा आयोग, है ना। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जल्द ही अनुदेशक का रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। आयोग के अधिकारी ने बताया कि अभी कोई भी रिजल्ट निकालने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होती है। यह परीक्षा 24/4 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इसमें 20,000 के आसपास स्टूडेंट ने आवेदन किया था। इसके अलावा 10 जनवरी को परीक्षा समाप्ति के बाद 16 जनवरी को मॉडल उत्तर जारी किया गया था। इसके बाद 19 जनवरी तक आपत्ति लिए गए थे, छात्रों की ओर से कुछ आपत्तियां दर्ज कराए थे। हालांकि इसमें कंफर्म नहीं किया गया है, बिहार तकनीक सेवा आयोग के तरफ से कि रिज़ल्ट कितने दिन के अंदर जो है जारी हो जाएगा, कितने तारीखों है कि जारी हो जाएगा। बस एक दिलासा दिया जा रहा है कि बहुत जल्द आप सभी का जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। रिज़ल्ट जारी करने से पहले इनको चुनाव आयोग से अनुमति प्राप्त करनी होती है। तो ये यदि अनुमति चुनाव आयोग देते हैं तो ये रिज़ल्ट जारी कर देंगे। फिलहाल मेरे पास इतना ही न्यूज़ था। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को जय हिंद।